हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का। गाइस, मैं आज अपने गांव के रास्ते के बारे में बात करूंगा, तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो गाइस, ये है मेरे गांव का रास्ता, ये आप देख सकते हैं। और ये रास्ता जो है ये बहुत ही अद्भुत रास्ता है। ये रास्ता के दोनों तरफ जो है लेफ्ट में भी और राइट में भी झीलें हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक तरह का झील है, इसको नदी नहीं बोल सकते आप, ये झील है और इस साइड भी झील है। और यहाँ पे जब भी आप आइएगा, यहाँ पे जब भी आप आइएगा तो ऐसा फील होगा कि आप जो है कश्मीर को भूल जाइएगा, गोवा को भूल जाइएगा और मनाली को भी भूल जाइएगा। इतना अच्छा यहाँ पे फील आता है, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, जो कि एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। ये सब देख सकते हैं, जहाँ भी नज़र जा रहा है पूरा का पूरा झील ही है, और झील में जो है कुछ पेड़ पौधे निकले हुए हैं। गाइज, इस रास्ता में जो पुल है वो पुल भी बहुत ही अद्भुत है। और ये पुल जो आप देख रहे हैं ये आज़ादी से पहले का बना हुआ है और काफ़ी मजबूत है। पहले के ज़माने में जो भी ठेकेदार हुआ करते थे वो बहुत ही ईमानदार हुआ करते थे, इसके लिए जो है पूरा का पूरा ईमानदारी से पैसा लगा करके मजबूत पुल बनाया करते थे। खैर, आज के दौर में जो ठेकेदार है वो तो पुल बनाते हैं तो मालूम चलता है, ऐसा है कि आए दिन खबरों में न्यूज़ के जरिए से पता चलता है कि फला जगह का पुल गिर गया। बट ऐसे ऐसे ठेकेदारों को इस प्राचीन काल के ठेकेदारों से कुछ सीखना चाहिए कि उन्होंने अब ऐसा पुल बनाया था कि अब तक टिका हुआ है। कितने बार यहाँ पे पानी आया झीलों के द्वारा, बट पुल जैसा था वैसा ही है मौजूदा हालात में भी, आप देख सकते हैं। तो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।